अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपके? ठीक है, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली जा रहे हैं, एक आई गेस 5 साल बाद मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपना कॉलेज का जो सफ़र था 2016 से, यानी 2016 से 2018 के दरमियान जो हमारा सफ़र था, वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह आप ये वीडियो। और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी होने लगी है, क्योंकि जिनको नहीं पता बहरिया कॉलेज के बारे में, या जो स्कूल से अभी फारिग हो रहे हैं मैट्रिक करके, तो उन लोगों ने फिर आगे कॉलेज में जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैंने ये किया था कि भाई मैंने प्री क्लासेस ली थी मैंने पंजाब कॉलेज ब्लू एरिया में, और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था 10 रुपये में। उस वक्त स्कॉलरशिप पे था, लेकिन ये था कि मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था। पढ़ाई के लिहाज से ठीक था, लेकिन ओवरऑल बंदे को एक होता है कि यार जगह भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होनी, आउटडोर एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, उसके लिए ग्राउंड वगैरह होना चाहिए। तो ये मेरे जहन में था कि यार मैंने स्कूल में, असल में हमारा स्कूल जो था ना, उसमें इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी और ग्राउंड वगैरह नहीं थे, और मैंने बाकी स्कूलों में ये चीज़ें देखी हुई थी। तो इसलिए कॉलेज में मैं चाह रहा था कि यार ये चीज़ें जो है ना, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी एक जो मुझे जिस रीज़न ने, या जिस वजह से मैं मोटिवेट हुआ था बेरी कॉलेज ज्वाइन होने के लिए, तो वो ये थी कि यार भैया कॉलेज की लोकेशन बहुत अच्छी है, और पीछे जो उसके माउंटेन्स आ रहे हैं, और पूरा एक व्यू है ना, बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है। इंशाल्लाह आगे आपको लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको जो व्यू है आज की इस वीडियो में। बेसिकली मैं जा रहा हूँ अपना अपनी FSC की जो है ना सनद लेने के लिए। सनद कहते हैं सर्टिफिकेट को, जिनको नहीं पता उर्दू में, तो FSC का सर्टिफिकेट मैं लेने जा रहा हूँ वहाँ से। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन जो मुझे जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, मेरे नॉलेज में है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो हो सकता है आप किसी के लिए जो है ना फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सीन्स कुछ यूँ है कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं कश्मीर हाईवे से, फिर हम उतरेंगे उस तरफ मार्गला रोड पे, किस रोड पे आई डोंट नो, रास्तों का मुझे नाम नहीं आते, लेकिन रास्ता मुझे पता है। ठीक है, तो ये सीन है, अभी हम चल रहे हैं इंशाल्लाह, जा रहे हैं और बहरिया कॉलेज पहुंच के फिर मैं जो है ना वो क्लिप आपको दिखाऊंगा, और अंदर से अगर कॉलेज में मोबाइल अलाउड हुआ, वीडियो की इजाज़त हुई, तो श्योरली आई डू मेक अ वीडियो, बट अगर ना हुई तो इन केस वो उस केस में ये करेंगे कि हम बाहर का जो एरिया है ना, अगर उसकी भी इजाज़त, वैसे नेवी वाले जो है ना अक्सर ये जो है ना पंगा करते हैं, लेकिन ये है कि अगर अथॉरिटीज़ वहाँ की इजाज़त देती हैं, तो मैं जो है ना वीडियो बना लूँगा, क्लिप्स मैं जो है ना वो रिकॉर्ड कर लूँगा, जहाँ पे जो है ना जो हमारी क्लासेस थी, जो हमारी लैब्स थी, और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो किस तरह से हमारी लैब्स हुआ करती थी, मौसम जब जो है ना, यानी बूंदाबांदी होती थी जब, यानी बारिश बारिश जब होती थी, तो उसके बाद मौसम कैसा होता था, ये सारी चीज़ें वैसे डिस्कस करेंगे वहाँ पे जाके, लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना बस बातें ही हैं। एनीवेज अभी चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना अगले सीन में मिलते हैं फिर। ठीक है, अच्छा जी, तो गाइस हम जो हैं यहाँ पहुँचे हैं, पार्क सेक्रेटेरिएट का एक है, बोर्ड लगा है, ब्लू एरिया इस तरफ है हमारी राइट साइड पे, और ये जो है जी डबल इशारा है, और यहाँ पे काफ़ी जो है ना ये अब कोई 5 मिनट बाद खुलेगा। एनीवेज मैंने कहा यहाँ पे जो है ना एक क्लिप रिकॉर्ड कर ले। यार आपके सामने जो है ना वो एक मंजर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये पीछे मागलक के हिल्स हैं,
और ये जो हिल्स है ना, वहाँ से हमारे कॉलेज से काफ़ी मतलब करीब नज़र आते हैं। ये रहा हमारा कॉलेज, वो जो ऊपर है ना वो आपको लैब्स नज़र आ रही है। एनीवेज हम अभी चलते हैं, थोड़ा हमने जो ना छाँव में गाड़ी खड़ी कर दी है। ये धूप बहुत सख्त है, गर्मी भी है, जून की गर्मी आप देखें ना। हेयर बॉरल अभी अंदर चलते हैं, क्या देखते हैं क्या सीन है। अभी अलाउड नहीं है कैमरा, तो मैं थोड़ा सा अभी बंद करने लगा हूँ कैमरा, फिर अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, कैमरा लाउड है कि नहीं। अच्छा जी, सीन ये है कि अभी हम कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तो नहीं दिखा सकते अंदर से, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं फेडरल बोर्ड के सेकंड ईयर के ना। ये बिल्डिंग है और उस तरफ जो है ना वो आई गेस गर्ल्स का था, आई गेस कह रहा हूँ देखो मुझे भी भूल गया। और ये अपने पास जो है ना, यहाँ पे वाइट का ग्राउंड था, यहाँ पे हमारे एक होता था गेम का, गेम का एक जो है ना गेम क्लास होती थी या क्या कह लें, बस एक एक डे था पूरा जो है ना जो ने गेम के लिए मख्तस किया हुआ था, गेम डे या इस तरह कुछ था। आई डोंट नो, अब इनकी एक टर्मिनोलॉजी थी वो अब मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं काफ़ी उसको जो है ना सोच रहा हूँ उसके बारे में। एनीवेज जो अपने पास कॉलेज है वो ये है, और माशाल्लाह से अभी तक आबाद है, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे। और यहाँ के टीचर्स की वजह से और यहाँ की जो फैकल्टी है, जितनी
जिनने हमें पढ़ाया, मुझे याद है कुछ टीचर्स के नाम याद हैं। अब सर शाह फाहद थे, सर आतिफ थे, और इंग्लिश के एक थे फेमस टीचर थे, उनका नाम मुझे अब नहीं याद, लेकिन यार उनकी वजह से ना मुझे बस थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ गई थी। और चलें बस यही था। और यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था मार्गला हिल्स, वो सामने देख रहे हैं, ये मार्गला हिल्स जो है ना की पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, पिक्चर क्या सामने और सीन दिखा रहा हूँ। अच्छा जी गाइज, मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो में शुरू में भी कि मार्गला हिल्स जो है ना हमारी कॉलेज के बिल्कुल सामने, ये सामने हमारे कॉलेज है, और लैब्स में से जब हम लैब जाया करते थे, मैं आपको एक मिनट लैब की जो वो है ना मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने हमारी लैब से ये जो ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद अपने पास से जो वहाँ से सीन होता था वो ये सारा सीन होता था, और ये अब वो तो थोड़ी ऊंचाई पे, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्लियर और कितने करीब नज़र आ रहे हैं मार्गला के माउंटेन्स और हिल्स, जो कह सकते हैं माउंटेन्स हैं वैसे, हिल्स जो छोटी पहाड़ी को कहते हैं। खैर ये भी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं हैं, तो हिल्स और माउंटेन्स दोनों की कहा जा सकता है। बहरहाल दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, आई लव दिस प्लेस, व्हेन आई वाज स्टडिंग हियर and I'm glad I studied here because it was my dream to be at this place, at this kind of place where there are some outdoor activities and as well as the ground, you know, I was talking about in the beginning of video. So yes, this is it, ye samne ground hai, aur us taraf ek hai ये जो सामने है ये क्रिकेट ग्राउंड है, और सिर्फ जो है ना वो है जी अपने पास फुटबॉल का ग्राउंड था, और उससे नीचे भी कुछ था मुझे याद नहीं है, ठीक है। और मैं अभी आगे फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं, भाई इन्हें उठा के ले जाना मुझे, फिर कहेंगे यार वीडियोज़ डिलीट करो, वीडियोज़ मैं डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है, ये मेमरीज़ हैं तो इनको बस कैप्चर करना है और फिर आप तक पहुंचाना है, और फिर जिनने मैट्रिक कर ली हुई है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने एक ऑप्शन के तौर पे। बट यह है कि यार ये पढ़ाई में जो है ना थोड़ा सा आपको लीनियंट हैं, यानी कि ज़्यादा सख्ती नहीं करते, इसलिए थोड़ा एक मैं कहता हूँ कि ड्रॉबैक या एक जो मुझे एक चीज़ जो लगी थी कि खैर वो मेरी अपनी गलती भी थी कि यार मैंने मैट्रिक में जो है ना अच्छे नंबर ले लिए थे, अच्छे मतलब मेरे लिहाज से ठीक थे, इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह 90 आ गई थी परसेंटेज, तो एफएससी में फिर मेरी डाउन गई परसेंटेज। तो ये सारी, अच्छा आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो ऊपर देख रहे हैं नेवी वालों के लिए, नेवी के जो ऑफिसर्स वगैरह है जो वहाँ पे गरीब रहते हैं, तो अच्छा तो जी मैं ये बता रहा था कि जो सामने आप देख रहे हैं जो पिलर मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वो है फैसल मस्जिद, अंदर से रास्ता है, यहाँ पे गल्फ क्लब भी है और आप गल्फ भी खेल सकते हैं, वो थोड़ा सा आगे करके है, वो उस साइड पे है, उस साइड पे आई गेस, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।